कहानी बिल्कुल जिंदगी की तरह होती है, शुरू होती है आखिर में खत्म होने के लिए, और दोनों के अंत का फैसला शुरुआत में ही तय होता है। आसमान की ऊंचाई पर एक सितारे की तरह चमकने के सपने। I want to be a star। एक दिन अकेले थे। खुद सपने नहीं देखता पर औरों के सपने जरूर साकार करता। आसमान मैंने दे दिया, अब चमकने की बारी तुम्हारी। पता नहीं मेरे होंठों को तुमने क्या रिश्वत दी है, मुझसे ज्यादा तुम्हारी सुनते हैं। मुझे भी अपने होंठों से यही शिकायत है। जब कोई चीज इतनी प्राइसलेस हो तो उसे महफूज और करीब दोनों रखा जाता है। पर चोर और आशिक में एक फर्क होता है। चोर चुराई हुई चीज वापस नहीं लौटाता और आशिक चुराए हुए दिल के बदले अपना दिल छोड़ जाता है। मेरा एक बेटा जिस लड़की से शादी करना चाहता है, मेरे दूसरे बेटे ने उस लड़की से पहले ही सुहागरात मनाई। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम्हें चाहा है। लेकिन तुम रेशमा के साथ हो। कुछ भी हो जाए ताशा मेरी ही रहेगी, उसे कुछ भी बताने की क्या जरूरत है। तो क्या कहती हूँ, द्रौपदी के तो 5 पांडव थे, यहाँ तो सिर्फ 2 है। क्या खेल खेला है उस लड़की ने, पहले छोटे भाई को फंसाया फिर बड़े भाई को। अरे मांग लिया होता ना तो जान भी दे देता, पर बिना मांगे छीना है तूने। राजू उसके अंदर का रावण जाग गया तो हमारी लंका को चला देगा। आर्यन तुझे हर धोखे की कीमत चुकानी होगी। लाशें रिश्वत नहीं लेती क्योंकि कफन को जेब नहीं होती। I am the twist in the plot and I will make sure you lose. This isn't a love story. It's a hate story. The game is just begun.